अंश से नौ महापूर्व कल्याणपुर भरतार गांव में हुई युवक की मौत का परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। परिवार तहसील प्रशासन अधिकारियों के चक्कर काट कर थक गया। परिवार ने बीते दिनों प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों को मामले से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने तहसील में हंगामा काटा, हाथों में बैनर लेकर न्याय की मांग की। हम लोग भरतार कल्याणपुर से हैं और ये सुशील कुमार हैं। इनके बेटे का आज से लगभग 9 माह पहले सर्प दंश से मृत्यु हो गई थी, सर्प के काटने से। चूँकि उसका मेडिकल भी हो चुका है, उसकी FIR भी हो चुकी है, उसका गांव का जो पंचनामा बनता है वो भी हो चुका है। चूँकि प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं मनोज कुमार जी, जो ग्राम पंचायत देखते हैं, तो सरकार के प्रत्येक सरकार के पूर्ण रूप से ये आदेश है कि अगर सर्प दंश से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बिसरा प्रिज्म की आवश्यकता नहीं है। अगर पंचायत की रिपोर्ट और FIR की कॉपी उसमें लगा दी जाती है तो 7 दिवस के अंदर पीड़ित के परिवार को मुआवजा मिल जाता है। लेकिन चूंकि ये परिवार आप देख रहे हैं, एक इकलौता बेटा था इनका, केवल 12 वर्ष का, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद इनकी जो दो बेटियाँ को लेकर लगभग 12 गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है तहसील से। आप समझ सकते हैं कि कम से कम नाव के द्वारा हमको पार करके जाना पड़ता है। आप हम लोगों की पीड़ा को समझ सकते हैं। तो ये व्यक्ति निरंतर नौ महीने से तहसील के चक्कर काट रहा है, थाने के चक्कर काट रहा है, काटते काटते आज थक चुका है, असहाय हो गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हमारा पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट देते आ रहा है। मेरे ख्याल से शायद उसकी सजा आज इस पीड़ित परिवार को मिल रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, आप समझ सकते हैं इसकी पीड़ा को। और आप दो बेटियों को लेकर आप निरंतर 9 महीने से चक्कर काट रहा है व्यक्ति। मैं इनको देखना चाहता हूँ कि अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं इनके देखना चाहता हूँ कौन सी डिग्रियाँ की हैं इन लोगों ने। अगर सरकार आदेश कर रही है किसी चीज़ को तो प्रशासन को मुआवजा देने में कौन सी शर्म आ रही है। और सबसे लज्जा की बात है, अगर हम मैं भी इनके साथ आया था बात करने के लिए, आदरणीय तहसीलदार साहब उस दिन मिले थे, तो उन्होंने बोला यार वो मर गया तो क्या हो गया, तुम तो मुआवजे के लिए मतलब मरे जा रहे हो। मैं कहाँ से पढ़े लिखे, इनके विचार पढ़े लिखे ना इन लोगों के। एक पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं न्याय की बात तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल। उसके बाद मतलब ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से भाषा अशोभनीय है। और आज इसलिए चूंकि मैं टीवी अभिनेता हूं और मैं भी इस जन्मभूमि से जन्मा हूं भरतार कल्याणपुर की से, और इनके साथ मैं भी आज से भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मैं देखना चाहता हूं भूख हड़ताल के लिए आपने अल्टीमेट दिया था। हाँ, आज से हम 7 दिन पहले अल्टीमेट दे चुके थे, आवेदन तहसीलदार साहब को दे चुके थे। उस दरमियान में क्या हुआ, उन्होंने कहा था जाँच चल रही है और जाँच निरंतर 9 महीने से चल रही है और 9 महीने जाँचें चलती रहेंगी। दुर्भाग्य हमारा यही है कि मेरे ख्याल से हमारा गांव 100% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहा है, मेरे ख्याल से उसी की सजा हम लोगों को मिली है शायद।